राजगीर मलमास मेला में अमरनाथ जो बना हुआ है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे पूरी तरह से अमरनाथ गुफा का ये स्वरूप बनाया गया है। सब भी इस मेला में आते हैं और इस अमरनाथ गुफा का दर्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इस राजगीर मलमास मेला में आपका आना अधूरा रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के मलमास मेला में अगर आप भी घूमने के लिए आते हैं तो अमरनाथ का दर्शन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि पूरे राजगीर मलमास मेला में अमरनाथ जो बना हुआ है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे पूरी तरह से अमरनाथ गुफा का ये स्वरूप बनाया गया है। सबसे पहले प्रवेश द्वार पर भगवान शंकर का जो फेस है आपको सामने में नजर आ रहा है। अब हम आपको उस गुफा की तस्वीर दिखाएंगे और अंतिम में बाबा बर्फानी का भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि अमरनाथ में बाबा बर्फानी विराजमान है और ठीक उसी का ये हकीकत स्वरूप दिखाया गया है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ गुफा नहीं है और यहाँ गुफा बनाकर अमरनाथ का दर्शन कराया गया है। अब हम इस गुफा में प्रवेश कर गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गुफा के जितने भी कॉर्नर हैं उस जगह पर यानी देवी और देवताओं की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आप सामने में देख सकते हैं कि किस तरह से माता पार्वती जो हैं अपने पुत्र गणेश जी के साथ में हैं और ये अमरनाथ गुफा का नज़ारा है जो राजगीर के मलमास मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस राजगीर मलमास मेला में आप एक से बढ़कर एक मनोरंजन के साधन देख रहे होंगे, जिसमें आप झूला, तमाशा, खेल, थिएटर, हर प्रकार की चीज़ों को आपने देखा होगा। लेकिन सनातनी प्रेमियों के लिए, हिंदू प्रेमियों के लिए, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए अमरनाथ बनाया गया है और अमरनाथ के बाबा बर्फानी का यहाँ अंतिम दर्शन कराया जाता है। केवल अंतर इतना है कि यहाँ गुफा के माध्यम से आप गुफा के अंदर प्रवेश कर भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। ये देख लीजिए सामने गर्भगृह है, जैसा कि हम आपको इस गुफा में दिखा रहे हैं। हर कॉर्नर पर जहाँ जहाँ गुफा में यानी कॉर्नर आता है वहाँ पे भगवान की प्रतिमा लगाई गई है। सामने में आप देख लीजिए ये गर्भगृह में भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। अब आगे हम चलते हैं। अगर आप भी इस मेला में आते हैं और इस अमरनाथ गुफा का दर्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इस राजगीर मलमास मेला में आपका आना अधूरा रह जाता है और एक बार फिर से आपको आना पड़ेगा केवल और केवल इस अमरनाथ का दर्शन करने के लिए। आप देख लीजिए भगवान शंकर का ये अद्भुत रूप है और भगवान शंकर तपस्या की मुद्रा में हैं और अकेले हिमालय की पर्वत का यहाँ सीन दिया गया है और हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर तपस्या करते नजर आ रहे हैं और ये नज़ारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का है और ये मलमास मेले का नज़ारा है, जहाँ मलमास मेला में मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है वो अमरनाथ गुफा है। इस अमरनाथ गुफा के संचालक भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डब्लू कुमार। डब्लू जी, ये क्या बनाए हैं आप लोग? ये अमरनाथ धाम है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजगीर मलमास मेला को शोभा बढ़ाने के लिए इसको स्थापित किया गया। संत धर्म अपना आगे बढ़े इसके लिए ये देखिए एक बनाया गया है। पूजा करते हुए आ रहे हैं। पूजा हो गया? नहीं, अभी शुरुआत है। शुरुआत हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल यादव। किस उद्देश्य से इस अमरनाथ धाम को आप बनाए हैं? हम तो इसलिए बनाए थे कि यहाँ कभी भी ऐसा अमर धाम नहीं बना था, इसलिए यहाँ बनाया। आरती पूजा कर रहे हैं जी, भगवान का जी, है ना? पूरी मूर्ति लगाई गई है भगवान शंकर का। पूरी मूर्ति लगाया गया है इसमें। तो ये देखिए इस अमरनाथ गुफा का आप दर्शन कर रहे हैं, बाकी डब्लू जी विशेष रूप से बताएंगे। बताइए डब्लू जी। जी हाँ, यहाँ बहुत सारे थिएटर हैं और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने धर्म को आगे बताने के लिए ये सब बढ़ाए हैं और अमरनाथ धाम बनाए हैं, जिससे माता बहनाएं दर्शन करें। यानी लास्ट में जो अमरनाथ बाबा हैं यानी बाबा बर्फानी, उनका दर्शन होगा इस गुफा के माध्यम से। जी हाँ, और अंदर केवल इतना है कि वहाँ जो अमरनाथ धाम है वहाँ गुफा नहीं है, यहाँ गुफा बना करके दर्शन कराया गया। यहाँ पूरा विस्तार से बताया गया है, विस्तार से बताया। यानी भगवान शंकर जो जो किए हैं वो यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पूरा वास्तविक स्वरूप में, है ना?
तो ये देख लीजिए डब्लू जी हैं जो इस अमरनाथ गुफा के संचालक हैं और इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ताकि यहाँ जो भी श्रद्धालु आए जो राजगीर मलमास मेला में दर्शन करने के लिए आते हैं कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं उनके लिए ये एक अद्भुत जगह है, एक अनोखा जगह है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने जो आप देख रहे हैं स्वरूप, ये भगवान शंकर का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, खुद भगवान शंकर जो दो स्वरूप में नजर आए थे वही दोनों स्वरूप यहाँ पे आप देख रहे हैं। भगवान शंकर का ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है और ऐसा नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में देखने को मिल रहा है। और काफी जो है ये अद्भुत, अकल्पनीय है और अद्वितीय है। ये अद्वितीय इसलिए है क्योंकि इस तरह से गुफा का निर्माण, इस तरह से सनातन धर्म का प्रचार और जो है सो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अमरनाथ गुफा बनाकर ये बाबा बर्फानी का दर्शन करा रहे हैं। जब हम शुरू में आप देखे भी अमरनाथ गेट पर कि किस तरह से भगवान शंकर का जो है वो पूरा फेस दिया गया था, उसके अलावे अंदर जगह जगह पर भगवान शंकर को दिखाया गया था। ये आप सामने देख लीजिए भगवान शंकर के जटा से जो गंगा निकलती है उसका स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावे इधर प्रभु शिव जो अपने जटा से माता गंगा को त्याग किए थे, ये सामने में माँ गंगा नजर आ रही हैं और ये माँ गंगा को भगवान शंकर अपने जटा से त्याग दिए थे। उसके बाद गंगा पृथ्वी पर आई थी और उसी का स्वरूप इस अमरनाथ में दिखाया जा रहा है, अमरनाथ धाम जो राजगीर में बनाया गया है। और ऐसा सीन, ऐसा तस्वीर आप कभी नहीं देखे होंगे जो राजगीर में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई तस्वीर हैं, ये देख लीजिए इधर जो है सो राधा रानी की तस्वीर है जो भगवान शंकर के इष्ट थे, उनकी ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। भगवान श्री कृष्ण हैं और राधा रानी हैं। उसके अलावा और भी इधर देख लीजिए भगवान शंकर जो हैं वो अपने अलग स्वरूप में हैं जिनका लोग प्रचार भी करते हैं, है ना। अभी बाबा धाम में जाने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर चिलम चढ़ाते थे, भगवान शंकर गांजा पीते थे, ठीक उन्हीं का स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। इधर देख लीजिए जो पृथ्वी का सीन होता है, हिरन है, बकरी है ना, पूरे पृथ्वी का सीन है। इधर आप देख लीजिए अमरनाथ कथा सुनने पर भगवान शिव के द्वारा सूख पर जो क्रोध किया गया था उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। और ये पूरा अमरनाथ दर्शन जो है आप कर रहे हैं राजगीर में। इतना ही नहीं, भगवान शंकर जो अपने जटा में चंद्रमा को रखते थे उनका जब वो त्याग किए हैं वो भी आप सामने में देख सकते हैं। यानी पूरा अद्भुत सचित्र वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान शंकर का जो सत्कर्म है, उनका जो कर्म है, उसका यहाँ पे सचित्र वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, भगवान शंकर जो अपने पुत्र गणेश जी का त्याग किए थे उसका भी यहाँ पे सचित्र वर्णन दिखाया गया है कि किस तरह से भगवान शंकर अपने पुत्र गणेश जी का त्याग कर दिए थे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर ने जो है वो शेष नाग का भी त्याग कर दिया था। वो सीन आप देख लीजिए, सामने हिमालय पर्वत है और वहाँ पे महादेव हैं जो अपने गले के माला, जो उनका मशहूर माला था नाग, उसी नाग देवता का उन्होंने त्याग किया। और ये सारा कुछ आप खुद देख लीजिए। इधर नंदी हैं जो महादेव का सवारी हैं, उनका भी उन्होंने त्याग कर दिया और त्याग करके इसी रास्ते से हिमालय पर जाकर वो वास करने लगे। और ये सब चीज पूरा सचित्र वर्णन राजगीर में दिखाया गया है। और ये राजगीर ऐतिहासिक धरोहर है, सर्वधर्म संभाव की धरती है, पूरे सभी धर्मों का यहाँ समान आस्था है, वही सीन यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अभी हम अंतिम में आपको बाबा बर्फानी का दर्शन कराएंगे। जो चीज आप देखना चाह रहे हैं बस कुछ ही मिनट में आपको बाबा बर्फानी का दर्शन होगा। आप सामने में देख लीजिए इस अमरनाथ धाम में पुजारी पूजा कर रहे हैं बाबा का, और वो सीन जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ये बाबा बर्फानी का दर्शन आप कर रहे हैं, ठीक वही सचित्र एकदम। केवल और केवल अंतर इतना है कि बाबा अमरनाथ को आप हजार किलोमीटर की दूर जाकर देखते हैं लेकिन आपको राजगीर में ही बाबा बर्फानी नजर आ रहे हैं, बाबा बर्फानी का आप दर्शन कर रहे हैं। अगर अंतरात्मा से बाबा बर्फानी को आप यहाँ देखेंगे तो हकीकत में वो आपको यहीं पे नजर आएंगे। इधर सामने में माँ पार्वती हैं और बगल में भगवान शंकर हैं, है ना। और सामने में दो कबूतर जो है,
अमर कबूतर है ना, वो भी सामने में आपको नजर आ रहा है। जैसा कि अमरनाथ धाम में पूरा बताया गया है, पूरा अमरनाथ धाम की जो कहानी है उस कहानी का यहाँ सचित्र वर्णन किया गया है। और ये पूरी तस्वीर नालंदा के राजगीर की है और राजगीर के मलमास मेला में ये अमरनाथ धाम बनाया गया है, जिस अमरनाथ धाम का आप दर्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सनातन प्रेमी हैं उनके लिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप राजगीर आते हैं और राजगीर का मलमास मेला घूम रहे हैं तो गढ़ महादेव के सामने यानी किला मैदान के सामने में अमरनाथ धाम बनाया गया है, और इस अमरनाथ धाम में आकर आप भी यहाँ का सचित्र दर्शन कर सकते हैं।